नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी कितने ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं, इसका अंदाजा तो उनकी उलझुल बातों और बेहुदा ट्वीट से लगाया ही जा सकता है। आए दिन अपने इसी तेजस्वी ज्ञान की वजह से सोशल मीडिया में उनकी फजीहत होती रहती है, लेकिन मजाल क्या कि वो मान जाए। हर बार अपनी इज्जत की लुटिया डुबाने के बाद फिर वो खुद की बेइज्जती कराने आ जाते हैं, और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी बौखलाहट अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए फवाद के ज्ञान की धारा एक बार फिर फूट गई, वो भी भरी सभा में। फवाद ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में सैटेलाइट के जरिए लोगों को इंटरनेट मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में इंटरनेट लोगों का मौलिक अधिकार है। हम कश्मीर के लोगों को सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने की संभावना पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमने राष्ट्रीय एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन से संपर्क किया है। चलिए आपको फवाद का नया नया ज्ञान सुनाते हैं। आज मैंने स्पार्को को खत लिखा है, उसमें मैंने ये उनसे अर्ज किया है कि 100 दिन से ज्यादा आज हो गए हैं और जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ के अवाम को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो हमें इस बात का जायज़ा लेना है कि क्या पाकिस्तान में स्पार्को सैटेलाइट के ज़रिए या और किसी ज़रिए से हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को इंटरनेट तक रसाई दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसकी टेक्निकल पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे है। इंटरनेट जो है वो आजकल दुनिया उसको एक फंडामेंटल राइट मानती है, बुनियादी हक मानती है लोगों का, इंसानों का, और आज मकबूजा कश्मीर के लोग जहां पर बाकी अपनी बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम हैं वहीं पर इंटरनेट की सहूलत से महरूम हैं। और ये ज़रूरी है कि हम ऐसे इकदाम लें जिससे कि मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट जो है वो बहाल हो सके। फवाद का ये कहना था कि लोगों के हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया, सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाने लगे। पवन के सेन नाम के ट्विटर यूजर ने कहा कि फवाद चौधरी का क्या फनी आइडिया है, पाकिस्तान के तकनीकी मंत्री एक बहुत बड़ा मजाक है। तो वहीं अश्विनी संधु नाम के यूजर ने लिखा कि सैटेलाइट के जरिए भारत से टमाटर चुराने का आइडिया कैसा है, भारतीयों के लिए सबसे बड़ा मजाक बनने के बाद धन्यवाद, पेट अच्छा हो जाता है तुम्हारे जोक सुनकर। साहिल नाम के यूजर ने लिखा कि ये तो पाकिस्तान का जेठालाल है। तो एक यूजर ने कहा कि क्या ये तकनीकी मंत्री हैं। वहीं अदनान नाम के यूजर ने तो उन्हें पाकिस्तान की ही याद दिला दी। उन्होंने कहा कि पंजर में पिछले 1.5 महीने से बिना किसी बात के इंटरनेट बंद है, खुदारा पहले अपने लोगों के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में बाद में। एक यूजर ने कहा कि प्लीज सैटेलाइट वॉर का खेल मत खेलो, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। तो देखा आपने कैसे फवाद का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया। हालांकि उनके लिए कोई नई बात नहीं है, उनके नाम तो ऐसे बयानों की एक लंबी फेहरिस्त है। इससे पहले उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 2 पर भी विवादित टिप्पणी की थी और कहा था कि जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया। बहरहाल पंगा तो बिना सोचे समझे अक्सर फवाद ही लेते रहते हैं, जो हमेशा उन पर ही भारी पड़ जाता है।